रहा, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो तुम? हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। भगवान जी तो सब देख सकते हैं, किसके मन में क्या है इन्हें सब पता है। आज हम यहां जो बोलेंगे वो सच है कि नहीं, क्योंकि इकलौते गवाह भगवान जी ही होंगे। ये बात सच है नैना कि हमें पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। ये बात भी सच है कि हम तुमसे ही शादी करना चाहते थे, और सहरा बांध के मंदिर में हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जब दुल्हन मंदिर में आई तो हम बहुत खुश थे, हमें लगा कि तुम हो। हमारे मन में तो हम तुम्ही से शादी कर रहे थे। जब हमें पता चला कि घूंघट के अंदर पवित्रा है तो हमें बहुत गुस्सा आया, हमने उसे बहुत डांटा, हमने कहा कि क्यों तुमने हमें धोखा दिया, और हम इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करने वाले थे। पर फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। बात उन सात फेरों की नहीं है जो हमने पवित्रा के साथ लिए, बात उन सात वचनों के भी नहीं है जो हमने उसे दिए। कुछ ऐसा था जो हमें पवित्रा की ओर खींचे जा रहा था। उसका बलिदान, उसका तुम्हारे लिए प्यार, उसकी हिम्मत, उसका जज्बा, उसका सच्चा मन, साफ दिल। हम पवित्रा को पसंद करने लगे। हमने सच्चे मन से इस शादी को स्वीकार कर लिया। अब पवित्रा ही हमारी पत्नी है नैना, यही हमारा सच है, पूरा सच। देखो कृष्णा, मैं ये तो समझ सकती हूँ कि पवित्रा मुझे बचाना चाहती थी, पर तुमसे शादी करना सिर्फ यही रास्ता था, ये मैं कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं। कई बार जब वक्त कम होता है तो इंसान जल्दबाजी में वो रास्ता चुन लेता है जो सही नहीं होता। हम तुमसे विनती करते हैं कि अपना गुस्सा छोड़ के पवित्रा को माफ कर दो। कितनी शिद्दत से हमारे बेटे ने तुम्हें यह कहानी सुनाई है, पर यह इसकी तरफ की कहानी है और काफी हद तक सच भी है, क्योंकि इसे दूसरी तरफ की कहानी का पता ही नहीं है। सच बात तो यह है कि पवित्रा ने ठान रखी थी कि उसे छोटे ठाकुर से शादी करनी है, और जब उसे पता चला कि छोटे ठाकुर तुमसे प्यार करते हैं तो वो जल भून गई। उसे लगा कि पूरी जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी, तो उसने जानबूझकर धोखे से कृष्णा के साथ शादी कर ली। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भारी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी बात